अर्थ मनसाच्या व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल और फूल सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभा की मान कैलाश पर्वत विराजमान श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाने के वास्ते आप और मैं चौपट खेल के लिए। शंकर जी ने कहा, चौपट खेल में बेईमानी बहुत होती है, हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसीलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूट का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, कौन हारा और कौन जीता? पुत्र ने कहा, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरी बार पासा फेंका, फिर से पूछा, कौन हारा कौन जीता? पुत्र ने बोला, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा और कौन जीता? पुत्र ने मन में सोचा, यदि मैं कहूं शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर गोद में अपने पुत्र को श्राप दिया, तो कोटि हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोश की दूरी पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, जिसके नीचे इंद्र की स्त्रियां इंद्राणी, ब्रह्म जी की स्त्रियां ब्रह्मणी और देवता की स्त्रियां बैठकर व्रत का पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब देवताओं की स्त्री ने कहा कि हम सब मनसावचक नाम का व्रत का पूजन कर रही हैं। तब इसके करने से क्या फल मिलता है? तब देवताओं की स्त्री ने कहा कि इसके करने से मन की सभी इच्छा पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत करना शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्री ने व्रत का सारा तरीका बता दिया था। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 अपनी सूत कतवा का डोरा करे और उस डोरे को गेरों में रंग कर शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ हर सोमवार तक करते रहे। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन इसका उजरण कर इसमें सवर से घी, सवर से गुड़, सवर से आटे का चूरमा बनाकर इसके 4 हिस्से बना लेवे और एक हिस्सा ब्राह्मण को देवे, एक हिस्सा साधु को देवे, एक हिस्सा गाय को देवे, ऐसा सब बांट लेवे, सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज्यादा न देवे। इसे बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए, 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद को याद कर पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि हमारा पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार अभी तक नहीं आया, कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसके करने से मेरा पुत्र मुझे मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनवा कर गेर रंग में रंग कर उसको हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ का उसका अजरण करे, इसमें सवा से घी, सवा से गुड़, सवा से आटे का चूरमा लेकर बनावे, इसमें सब एक भाग राजा या गरीब को सबको बराबर देवे। इसी तरह बताए हुए ढंग से पार्वती जी व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करते हुए अंगद जी की देव इंसान जैसी सूरत हो गई, सुंदर हो गई और अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती हंसने लगी, अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती ने पूछा, तुम पीछे क्यों हट गए? तब पुत्र ने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसावचक नाम का व्रत किया था जिसके। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया, यह व्रत मैंने किया तो तुम मुझे मिल गए, तुम क्या चाहते हो सो को? पुत्र बोला, मैं उज्जैन के लिए राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर उज्जैन की तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चल चलते उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा, हम बूढ़े हो गए इसीलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उन्हें संभाला देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार को बुलाया गया था। स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी में हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी वो करने के लिए श्रेष्ठ वर्षों के लिए में माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में माला पकड़ा दी। हथनी चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। सबने कहा कि हथनी चुप गई है। फिर हथनी को श्रृंगार कर और हाथ जोड़कर जो इस राज्य का भोगने का अधिकारी है वो राजकुमार के लिए अच्छा वर, उसी के लिए मैं माला डाल देना। यह कहकर हथनी माला हथनी की सूंड में पकड़ा दी और अंगद जी को पहले ही वहाँ से निकाल दिया गया था। हथनी फिर घूम फिर कर बाहर निकल गई, फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथनी हमने हट कर ली है, इसीलिए उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर उन्होंने हथनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजरातु देवता स्वरूप है, सो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो, उसी के लिए वो राजकुमार के लिए श्रेष्ठ वर, उसी के लिए मैं माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही वहाँ से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि अंगद जी को अपने घर ले जाओ, बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को अपने घर ले गए, बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई, अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया, अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमार ने पूछा कि आपका नाम क्या, आपकी जाति क्या, आपके माता पिता कौन है? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है, श्री महादेव जी और पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। तब राजकुमार ने कहा कि श्री महादेव जी तो पार्वती जी तो देवलोक के देवता है, मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पति से शोभित कैलाश पर्वत पर महादेव विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव से चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हाँ, जिसका फैसला करने वाला कोई तीसरा आदमी होना चाहिए, जो पार्वती ने अपने शरीर से मेल उतार कर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि चौपट खेल में
चौपट खेल में गवाई देना। महादेव जी ने पासा फेंका, मुझसे पूछा कौन जीता। मैंने कहा महादेव जीते और पार्वती जी हारे। दूसरी बार भी महादेव जीते, पार्वती जी हारे। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा यदि मैं कहूँ महादेव हारे तो मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए कहा कि पार्वती जीती तो महादेव मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि महादेव जीते और पार्वती जी हारे। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया, तो कोटी हो जाएगा मारा, भटकता फिरे गए। पार्वती के श्राप को देने पर मैं वहाँ से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहाँ पर बड़े भारी पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी ब्रह्माणी देवता की स्त्रियाँ व्रत कर रही थी। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर मैंने उनसे पूछा करने से क्या होता है। तब व्रत करने का प्रभाव उसके करने की विधि बताई। मैंने किसी सुपारी किसी चावल मांगकर व्रत करना शुरू कर दिया। शरण सुधि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से डाईपुनी सूत कटवाया और डोरा किया और उसको गेरंग में रंग कर महादेव जी की पूजा की। एकादशी से चौथ का उसको उद्घाटन कर सहसर घी सहसर गुड़ सहसर आटे का चूरमा किया। इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। इधर पार्वती ने महादेव से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, हमें बता दो जिस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। यह व्रत का विधान बताया। श्रावण शुद्ध के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से डाईपुनी सूत कतवा का डोरा बनवावे और उसमें महादेव जी की पूजा करे। फिर एकादशी से चौथ का उद्घाटन करे सहसर घी सहसर गुड़ सहसर आटे का चूरमा और उसके चार भाग ऊपर बताए हुए विधि ढंग से बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती को हंसता देख पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी क्योंकि मैंने मनसाचक व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मुझे मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी व्रत किया है। तब माता पार्वती ने कहा कि इस व्रत के करने से तुम्हारे तब माता ने भी कहा कि तुम्हारे मन में क्या है, सो को पुत्र उज्जैन नगरी की राजकुमारी और राज्य चात मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण हो गया, अब उज्जैन नगरी राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के पुत्र होना चाहिए। जब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र तुम मनसाचक व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी मनसाचक व्रत करना शुरू कर दिया। चार वर्ष करने के बाद एक दिन रानी दातुन करते समय दासी को पात्र में जल लाने को कहा। तब दासी जल लाने गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास ना तो खुद चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव से प्रार्थना की कि हे भगवान आपने ये पुत्र दिया तो इसके लिए स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते स्तनों में दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर वह एक दिन अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता हैं, श्री महादेव जी और पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूल फगन ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं।
रखने लगी। उस दिन काजी सुधी चोर थी और उसके उजरन के लिए मंदिर का साधु गांव में गया हुआ था। आते समय उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने कहा कि साधु ने सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन पापी आ गया है जिसके कारण मुझे कुत्ते ने काट। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि ये कौन डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं कोई डाकन नहीं, मैं दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना हाल सारा आपको बताऊँ। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना हाल कहो। तब रानी ने सारी बातें बता दी। साधु ने कहा कि कांच काटे से चोट का उजड़ने से राजा को अधिक और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसी एक सेल लड्डू बनाए जाते। तब रानी ने विचार किया कि राजा के कहने पर मैंने चूरमा अधिक बेच दिया था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि श्रवण के पहले सोमवार को आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर श्रवण शुद्धि आई और रानी ने साधु को याद दिलाया कि साधु ने गांव में जाकर पूजा सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से ढाई पुनी सूत कटवाया और माधव जी की पूजा की। फिर कार्तिक से जोत का उद्धरण किया और सहसर घी, सहसर गुड़, सहसर आटे का चूरमा बना किया। उसके चार भाग पहली बताई विधि से बांट दिए। साधु ने कहा कि माधव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा, मिट्टी का बनाकर रख दो और माधव से कहना यदि आप प्रसन्न हो गए तो इन सबको जीवित कर दो। वो नमेश्वर मंत्र का जाप कर पाठ कर जल का छींटा देना। रानी ऐसा कर सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझे जो रास्ते में पाप हुए मैं उनसे भी छुटकारा पाने का उपाय बताओ। साधु ने कहा कि ओम नमेश्वर मंत्र के जाप करने से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले जो सप्र रसिका बन गया था उसके पास गई और ओम नमेश्वर मंत्र का जाप बोली और सप्र भी चौगुना शरीर वाला हो जाए। सो कहते ही चौगुना शरीर वाला हो गया। फिर सीएम मिला, उसने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जो सीए पत्थर का हो गया था वह जीवित होकर चौगुना शरीर वाला बन जाए। यह ऐसा कहते ही सीए ग्रस्ता हुआ खड़ा हुआ और जंगल में भाग गए। इस तरह आगे चलने पर पर्वत के सामने गए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली। पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। और यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। चलकर मंत्र का जाप करने पर भी नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग हरा भरा हो गया और उसका अंदरपन जाता रहा। नगर के सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हड्डियाँ भी चलने लगी और उसकी आंखों से दिखाई देने लगा। लक्ष्मी जी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पदान समय लक्ष्मी की वर्षा हुई। इसी खुशी में ठाठ बाटों को ऐसा इसी खुशी में सारे नगर वाले को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी चूल्हे में धुआं ना निकलना पाए। जिस किसी चूल्हे में धुआं निकले उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गाँव के लोग भोजन कर करके जाने लगे। खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ का उजड़न है। सो कोई भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर कोई भूखा प्यासा नहीं स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा गया कि अंति बैरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर पर कोड हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोड झड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुन लेने पर स्वयं से एक विमान आया। वह डोगरी सदैव बैकुंठ होकर चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन, अर्चना, पूजन, भक्ति भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर जो नर नारी श्रावण कार्तिक माघ महीने में श्रद्धा भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नीति, पूजा, गृहस्थी, अपना जन्म सफल कर। जय भोलेनाथ।